जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। मैं सौरभ परमार हाजिर हूँ विप्रो की लेटेस्ट वैकेंसी के साथ में। अगर आप भी जॉब की तलाश कर रहे हैं, 2022 में पास आउट हैं, किसी कारणवश आप प्लेसमेंट नहीं ले पाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये विप्रो की लेटेस्ट वैकेंसी के साथ में है। इसमें मैं आपको हर एक छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। अरे फिर भी आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और इस वीडियो में नहीं बताई गई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं बहुत जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हर एक चीज़ मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताई गई है, जैसे आपकी सैलरी क्या रहेगी, किस पोजीशन के लिए आप हायर हो रहे हो, आपका लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है, सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रो रिक्वायरमेंट 2022-2023, कंपनी का नाम आपको पता ही है विप्रो। किस पोस्ट के लिए आपको ये हायर कर रही है? एसोसिएट एडवर्ड, ठीक है, एसोसिएट एडवर्ड्स के लिए आपको हायर कर रही है। सैलरी पैकेज 3.6 LPA, 3.6 लाख पर एनुअम आपको ये प्रोवाइड करेगी इफ यू आर सेलेक्टेड। एक्सपीरियंस की बात करें तो नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फ्रेशर कैन बी अप्लाई। 2022 और 2023 बैच वाले। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको दी गई है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड देन आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। पान इंडिया नहीं, मतलब कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, हैदराबाद आपको जाना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये फिल फॉर्म जरूर करें। अच्छी एलिजिबिलिटी है आज के दौर में मार्केट में। 3.6 मतलब कि सीधा सीधा आप मानिए कि सब PF कट का आपको 27-28 पड़ेगा, तो आज के मार्केट में बहुत अच्छी है, क्योंकि जॉब की बहुत मारामारी चल रही है, ये आपको भी पता है। सेलेक्शन प्रोसेस विप्रो की बात करें तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, एसे राइटिंग रहेगा, टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू। अब ये कोई खास और बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत छोटी चीज़ है, इस पर भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट के डिटेल्स में समझाया है। अगर आप ऐसे पर, टेक्निकल पर और HRU पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस पर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? अब या तो आपने BE BTEC किया है या फिर MCA किया हो, पासिंग ईयर 2022-2023 ही अप्लाई है। आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप ये फॉर्म भरते जा रहे होंगे। अब सर ब्रांच कौन कौन से भर सकते हैं? तो कौन कौन सी ब्रांच वाले भर सकते हैं? CS वाले, IT वाले, EX वाले, EIC वाले, EI वाले और ETC वाले। इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि आपका 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा में आपके 60% से अधिक अंक होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग 14 क्वेश्चन 14 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट 16 क्वेश्चन 16 मिनट, ये ध्यान रखना है टाइम मिनट में। इंग्लिश 22 क्वेश्चन 18 मिनट, यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन कोई इश्यू नहीं है, MCQ टाइप है। एज ए राइटिंग एक ऐसे लिखना 20 मिनट, और कोडिंग 2 कोडिंग के क्वेश्चन आपको देंगे और 60 मिनट है, यानी कि एक कोडिंग आपको 30 मिनट है एक कोडिंग कोड बनाने के लिए, ठीक है, तो 2 कोडिंग 60 मिनट। अगर आप और भी डिटेल्स में चाहते हैं कि सर रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन या फिर कौन कौन से चैप्टर से पूछेंगे, एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में, और सर थोड़ा एजे और कोडिंग पे भी हमें बता दीजिए, एजे पे भी और कोडिंग पर भी, कि यहाँ से क्या बन सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण मैंने इस वीडियो में इनको डिटेल से मैं नहीं बताया हुआ। अगला आपका क्राइटेरिया अप्लाई प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, गो टू दिस साइट www.viprocareer.com पे आपको जाना है, और अगर आप यहाँ से लॉगिन करने में असमर्थ है, अनेबल है, तो आपको विप्रो.com पे ही जाना है। करियर की साइट आपको खोल लेना, उस पर करंट जो पोजीशन निकली हुई है, ठीक है, एडवर्ब वाली, उस पर आपको खोलना है, एडवर्ड्स फॉर्म को भर देना है और सबमिट कर देना। अब ध्यान रखना कि आपको जो हर एक इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेल पर ही प्राप्त होगी, इसलिए मेल आप पर्सनल लिखें और जिस पर आप एक्टिव हो वही डालें, क्योंकि कब आपका टेक्निकल इंटरव्यू है, HR है, असेसमेंट है, एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पर गेट करेंगे? मेल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प
पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।